पालक से यूरिक एसिड बढ़ता है ये लोगों का जो मानना है, तो बॉटल जो दवा की बॉटल है उसके ऊपर पॉइजन लिखा रहता है, तो हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो लेते हैं कब? अगर सही ढंग से लिया तो, मतलब एक चम्मच लिया तो आपको उसका फायदा हो सकता है, समझो, समझने के लिए। दवा से फायदा है नहीं, पर समझने के लिए एक चम्मच लिया तो समझो फायदा, पर पूरी बोतल अगर बच्चे को पिला दी तो वो हो गया पॉइजन, मतलब रास्ता गलत इस्तेमाल किया तो पॉइजन। उसी प्रकार भगवान ने हमें सब्जियां, कंदमूल सूर्य भगवान की किरणों में पका के दिए, हमने उसको क्या किया, आज तक पालक को हमने पकाया। अभी पकने के बाद क्या होने वाला है वो तो तकलीफ होगी, क्योंकि रास्ता बदला, कूड़ा जम गया तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है, पर कच्चा पालक से यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, उल्टा आपका यूरिक एसिड की तकलीफ जाने लगेगी। तो कच्चे से कोई भी तकलीफ नहीं होती। हमने 500 शुगर वाले लोगों को भी अंगूर का जूस और गन्ने का जूस पिलाकर उनकी शुगर कंट्रोल पे लाई है। तो भगवान ने दिए हुए किसी भी चीज में भेद नहीं है। हम खाना गलत खाते हैं और उसको हम नेचुरल आहार पे दोष देते हैं। तो आप कच्चा भोजन पे डरिए नहीं, आप खाइए, प्राकृतिक खाइए, बीमारी दूर होती जाएगी। तो बीमारी का डर आप पहले मन से निकाल लीजिए। ठीक है, अगर किडनी स्टोन का डर आपके मन में बैठा है पालक से हो जाएगा तो मुझे बताओ पालक यूज करने का कि नहीं? हाँ, तो पालक अगर किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो, एक मिनट में बताता हूं, बाद में आप बोलिए। अगर पालक या हरी पत्तियों से किडनी स्टोन हो जाता तो ये जो पशु है वो तो हरी पत्तियां ही खाते हैं, उनको तो कितने किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता। पर अभी अगर किडनी स्टोन है तो भी डरिएगा नहीं, पालक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा डर मन में बैठ ही गया है तो पालक की जगह बहुत सारी हरी पत्तियां है, तो आप अलग हरी पत्तियां का जूस बनाओ। पर फिर भी मैं कहता हूं कि पालक से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ प्रभु जी, क्या आप जवाब देने वाले थे? आके बताओ। हाँ। 4 mm का किडनी स्टोन था, लेकिन मैं 1 साल से पालक का जूस पी रहा हूं, कोई स्टोन का साइज बढ़ा नहीं, फिर भी मेरा कम होते गया स्टोन 4 mm से। अभी स्टोन चेक किया नहीं मैंने, पिछली बार चेक किया तो 2 mm का था। 1 साल से जूस पी रहा हूं लेकिन वो स्टोन बढ़ा नहीं, उसका सवाल का जवाब दे दिया मैंने। धन्यवाद।